आंटी, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, मगर प्लीज़ आप थोड़ा हिम्मत करें और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए प्लीज़। जी, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी ने अभी तक खुदकुशी की है। कल बुशरा की शादी थी, क्या क्या शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी? जबरदस्ती नहीं करवाई जा रही थी। बुशरा तो अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी, बल्कि एक दिन पहले तक सारा घर खुशी से सर पे उठा रखा था। खूब खूब हल्ला गुल्ला कर रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है, और इस सब में बुशरा की खुशी शामिल थी। सब कुछ इतना ठीक जा रहा था तो फिर आपके ख्याल में बुशरा ने खुदकुशी क्यों अटेम्प्ट की? पता नहीं हाँ, लेकिन कल से बहुत परेशान थी। मैंने इसे परेशान देखकर पूछा भी कि बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो, लेकिन इसने कुछ बताया नहीं मुझे। हाँ, लेकिन इसकी ये कैफियत ना पहले भी हो जाती थी। मैं उस वक्त भी पूछती थी तो कुछ नहीं बताती थी, बैठे बैठे रोने लगती थी, नींद में डर के चीख के उठ जाती थी। लेकिन फिर अल्लाह का करम हुआ हम पर, और आहिस्ता आहिस्ता ना सारी चीजें ठीक हो गई। कल शादी थी इसकी, और फिर अचानक ये सब। आंटी, किसी पर शक है आपको? कोई भी जिसकी वजह से घर के अंदर या बाहर बुशरा अनकंफर्टेबल फील करती हो, या फिर किसी की शिकायत की हो? कभी भी नहीं, कभी भी इसने कुछ बताया ही तो नहीं। कुछ पता नहीं चला क्या बात थी, क्यों ऐसी तबीयत। ठीक है आंटी, मैं आज आपको और तंग नहीं करूं। लेकिन जब बुशरा को होश आएगा तो मैं वापस आऊंगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए प्लीज। फोन नंबर ले लो, सारे कॉल के रिकॉर्ड्स निकालो। ठीक है आंटी, आपका फोन नंबर क्या है? देखिए